है नियो की राखी, ये मैंने पहले भी दिखाई है व्लॉग में, ठीक है। उस दिन तो खाली ट्राई करी थी, आज नियो के लिए लगा देंगे। मतलब और बुआ की भी है, छोटी बुआ, छोटी बुआ आपकी, मोटी बहन बोल। टेस्ट टेस्ट मैं रिच्चू की राखी है एंड वो दोनों बुआओं की राखी है। हाँ? गिफ्ट दूं या 11 रुपए दूं बहनों को? गिफ्ट ये कितना रिस्की है, गलत बात है भाई, यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। देखो ये आपका वो है ओवरहेड ब्रिज है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है मंडे एंड आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल भाई समय देखो अभी हो रहा है 12:30 एंड भाई रक्षाबंधन का जो शुभ समय है ना, कह रहे राखी बांधने का, वो 1:40 के बाद है, तब तक भद्रकाल है। तो भद्रकाल में तो राखी नहीं बांधी जाएगी, ऐसा न्यूज वगैरह में सब जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सब बोल रहे हैं। तो इसलिए हमारा रक्षाबंधन का जो सेलिब्रेशन है 1:40 के बाद स्टार्ट होगा, तब तक हम जो अपने पास थोड़ा समय बचता है अच्छे से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपना प्रोटीन वगैरह जो भी रहता है, फर्स्ट मील जो रहेगी अपनी, वो ले लेंगे, ओके। एंड भाई सुबह मैंने थोड़ा सा वो खा लिया था, क्या बोलते कोमल ने ना वो बनाया था, हक्का नूडल्स बनाए थे, तो अपने थोड़ा सा नूडल्स खा लिए थे ताकि प्री वर्कआउट मिल जाए। अब जाके मुझे लग रहा है मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, फटाफट करते हैं वर्कआउट। भाई नहावा लिया, मस्त चेंज वेंज कर लिया, इस सेकंड पंखा बंद करता हूँ ना, ये बहुत आवाज़ करता है, ये वाला फैन, ये देखो बंद हुआ, अब थोड़ी शांति हुई। चलो भाई नहावा के हमने चेंज कर लिया, ठीक है, मुहूर्त भी हो गया, मुहूर्त के मुहूर्त ऊपर हो गया, 2 बज गए, ठीक है। तो हम चलते हैं एंड रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब क्या रिच्चू तो है नहीं, तो रिच्चू वाली राखी मम्मी बांध देंगी मेरे को, और बुआ ने पापा के लिए राखियाँ भेजी हैं। हाँ सॉरी, रिच्चू US में, तो रिच्चू ने राखियाँ भेजी हैं, तो मैं दिखाया था आपको राखियाँ। भाई देखो ये राखियाँ बहुत सारी हैं इसमें, अब पता नहीं रिच्चू की कौन सी, और कुछ राखियाँ ना बुआ ने भी भेजी पापा के लिए, तो वो कोमल बांध देंगी पापा को, और मेरे को जो मेरे लिए जो राखी भेजी रिच्चू ने वो मम्मी बांध देंगी मुझे, और रिच्चू ने नियो के लिए भी राखी भेजी है। नियो को तो बांधनी राखी, और कोमल के लिए भेजिए। गाइस ये है नियो की राखी, ये मैंने पहले भी दिखाई है व्लॉग में, ठीक है। उस दिन तो खाली ट्राई करी थी, आज नियो के लिए लगा देंगे, मतलब नियो को बांध देंगे, ये रिच्चू ने भेजी उसके लिए। अब लग रही नियो की राखी, चल तो रहा है नियो का फोटो खींच दूंगा अभी। नियो 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 मिठाई कौन खाएगा, इतनी मिठाई नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी कम कर लेता हूँ। नियो चिंकी टेस्ट 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 कमल खाई क्या, खिला तुम्हें, टाइट हो गया क्या ज्यादा, ठीक है हैं, ठीक है। नियो खींच दी फोटो तो, सो गाइस ये पापा का हाथ, इसमें रिच्चू की राखी है एंड वो दोनों बुआओं की राखी है।
आप बुआ को कुछ कहना चाहते हो? आप बुआ व्लॉग देखती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी खुश रहो और परिवार के साथ संपन्न रहो एकदम। गाइस राखी के इस पावन अवसर में हमारे घर में आए हैं। हेलो गाइस, बिट्टू जी आए हैं और बिट्टू जी ना हमें अपनी अनोखी राखी दिखाने वाले। बिट्टू जी दिखाओ जरा, किसने बांधी है? सबसे पहले ये वाली है। ओके, नाइस। और ये देखो, इसमें स्पिनर भी है। अरे इसमें गणपति जी हैं। हाँ। नाइस नाइस नाइस। अभी आपके लिए वो भी वाली है राखी, मिक्की माउस वाली। अच्छा। एंड गाइस देखो, ये है अपनी राखियाँ, ठीक है। रिचू की है एक, दो बुआओं की है और ईशुरिया की है, ठीक है, क्योंकि हम भी जिस बार वहाँ जा नहीं पाए तो सबकी राखी आई है। तो ये सबकी राखी बांध ली भाई, सब लोग बहनों लोग देख लो, सबकी राखी बांध दी है, ठीक है। एंड सबको सबके अकाउंट में एक एक रुपये भेज दूँगा थोड़ी देर में। चलो 11-11 भेज दूँगा यार, कोमल नाराज हो रही। 11-11 रुपये पक्का, ठीक है ना? चलो भाई गिफ्ट दे देंगे, ठीक है। ठीक है ना बिट्टू, गिफ्ट देना, ठीक है ना? ये 11 रुपये बताओ, गिफ्ट दूँ या 11 रुपये दूँ बहनों को? गिफ्ट देना, चलो ठीक है। और मैं चाची के लिए ना वो चॉकलेट का डब्बा लाया हूँ। हाँ, अरे वाह नाइस, लाए चाची के लिए, खाऊंगा तो मैं खाएंगे तो हम। गाइस भैया भाभी बिट्टू और मनोज कुमार, मनोज ऐसा अलग करना, मनोज कुमार भी आ चुके हैं। तो गाइस अभी सीन ये है, टाइम देखो 3 बज रहा है, ठीक है। मैं और मनु देख रहा हूँ, जा रहे हैं मम्मी पापा को मेट्रो स्टेशन छोड़ने, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं ताऊ जी को देखने हॉस्पिटल में, ठीक है, कनॉट प्लेस, और वहाँ से मेट्रो में जाएंगे। वो अपना ऑफिस है ना, तो हम मतलब नहीं तो मैं ही लेके चले जाता, नहीं तो मैं ही लेके चले जाता। चलो चलते हैं फटाफट। सो गाइस मम्मी लोग को छोड़ दिया, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो बच्चे, देखो कहाँ चढ़े हैं पतंग उड़ाने के लिए। ये कितना रिस्की है, गलत बात है भाई, यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। देखो ये आपका वो है, ओवरहेड ब्रिज है, इसकी छत में चढ़े हुए हैं भाई। वापस जा रहे हैं हम। एंड ना भाई मौसम अच्छा हो रहा है मनोज कुमार। ओ यार ये पता नहीं अजीब सा बेईमान जैसा है। बताया सुबह मैं नियू को लेके गया बाहर, ऐसी कड़क धूप थी, हालत खराब हो गई। और अब देखो इतना सुहा, बर्बाद नहीं है कुछ भी, है बर्बाद नहीं है, बट है ना। हाँ मतलब जितना मतलब धूप भी ऐसी वाली थोड़ी है जो कि एकदम ही खराब कर दे रही है करके। वेरी नाइस मौसम। सो गाइस समय हो गया है रात के 9:30, ठीक है। अभी मैं दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया ऑफिस में, उसके बाद मम्मी लोग को छोड़ के थोड़ा बिजी हो गए थे, व्यस्त हो गए थे, इसलिए दिन भर हमने ब्लॉग नहीं किया, ठीक है। एंड हम लोगों ने खाना वाना बढ़िया करके खाया, लंच वंच किया, उसके अपना काम ही कर रहे थे। एंड शाम के टाइम पे मनोज और भैया भी गए हुए हैं हॉस्पिटल ताऊ जी को देखने, ठीक है। और वो लोग अभी तक वापस नहीं आए, तो अभी पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे, ठीक है। एंड मैंने थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने वीडियो वगैरह भी एडिट कर दिया, एंड बस इसको अपलोड करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। फिलहाल मैंने सोचा भैया अपना जो काम है ना डेली का, इसको ख़त्म कर लेते हैं ताकि हम फ्री रहें, राइट, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो डू सब्सक्राइब चैनल। एंड गाइज मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए, देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स। हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग।